वेक्टर्स एंड स्केलर्स। अब फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी ऐसी चीज जिसे हम मेजर कर सकें, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वो प्रेशर भी हो सकता है, वो स्पीड भी हो सकती है, वो वेलोसिटी हो सकती है, वो फोर्स हो सकती है, वो मास हो सकता है, वो वेट हो सकता है। दे आर टन्स ऑफ थिंग्स जो कि मेजर की जा सकती हैं, वो सब एक फिजिकल क्वांटिटीज की फील्ड के अंडर काउंट होंगे। और फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो दो सब ब्रांचेस में डिवाइडेड है, फर्स्ट स्केलर्स एंड द सेकंड वन वुड बी वेक्टर। तो हम पहले स्केलर्स को डिफाइन कर लें। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट ओनली नीड मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड स्केलर्स। फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसे हम कह रहे हैं डिस्क्राइब कम्प्लीटली, इसका क्या मतलब है? डिस्क्राइब कम्प्लीटली का मतलब ये है कि अगर आप कन्वे करना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन किसी एक क्वांटिटी के रेलेवेंट किसी और पर्सन को या जगह पे, तो उसको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग उसे सब के सब मिल जाए। मीन्स आप उसे लोकेट या मेजर कर सको अपने तौर पे भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एग्जांपल लेते हैं, कुछ एक दो तरह की क्वांटिटीज लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कहना चाहते हो कि टाइम ये हुआ है, सात इस वक्त टाइम जो है वो फॉर एग्जांपल 6:36 हुआ है, तो उसमें जो मीनिंग है, इंफॉर्मेशन है पूरी एक क्वांटिटी की, वो कन्वे हो जाती है कि शाम के 6:36 हो गए। तो अब मुझे पता चल गया है कि अच्छा ये टाइम चल रहा है, तो इंफॉर्मेशन टोटली कन्वे हो गया सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की वजह से। इसी तरह आप टेम्परेचर ले लो, आप किसी को बस ये बताओ कि आज टेम्परेचर जो है वो 37°C, तो क्या है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो के रिगार्डिंग आप कन्वे करना चाह रहे थे वो कन्वे हो जाएगी। आपको उसको कोई डायरेक्शन या अदर नेसेसरी डिटेल्स जो बन सकती हैं वो कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड या एक नंबर काफ़ी है उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। इसी तरह आप स्पीड भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि मैं 40 km/h की स्पीड पर बाइक चलाता हूँ, राइट? तो उसमें आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ रही कि स्पीड उसकी कितनी है या किस तरह चलता है, कोई प्रोसेस साथ नहीं आता, सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर लेते। ऐसी जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप कहते हो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से कुछ टेम्परेचर, मास, स्पीड, टाइम और ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज। अब वेक्टर्स क्या बने? वेक्टर्स वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फोर्स लें, अब जो आप फिगर देख रहे हैं उसमें क्या है, जो पर्सन है वो स्केटबोर्ड पे किस डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है, राइट पे, तो अब वो राइट को मूव करेगा, राइट? तो अब अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती, मीन्स वो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा होता, तो जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो डिफरेंट होने थे। अब वो कहाँ पे मूव करना था, अगर फोर्स वो लेफ्ट पे लगाता, लेट्स कंसीडर कि फोर्स अब वो इस तरफ नहीं इस तरफ लग रही है, तो मोशन लेफ्ट की तरफ हो जाना था। मींस कि इंफॉर्मेशन, अगर आप डायरेक्शन आप बस ये कह दो कि 5 N फोर्स लगाई गई, तो अब अगर आप किसी सेकंड पर थर्ड पर्सन को बता रहे हो कि 5 N फोर्स लगाई गई, तो उससे कन्वे नहीं होगा कि मोशन फिर राइट को गया था 5 N के बाद के लेफ्ट को गया था, अनलेस कि आप डायरेक्शन बताओ कि 5 N फोर्स राइट को लगाई गई थी, तो उसे पता चले अच्छा 5 N फोर्स राइट को लगी, तो इसका मतलब है मोशन भी राइट के अलोंग था। तो ये बेसिक डेफिनेशन है वेक्टर्स की, कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ साथ एक डायरेक्शन भी चाहिए ताकि उनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जा सके। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो इस वजह से कि डिस्टेंस आप कहीं से भी कोई भी पाथ लेके टेक कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि ये जो पॉइंट है ये है ए, वो लास्ट पे जहां पे पहुंचना है वो है बी,
अब एक पर्सन ने ए से स्टार्ट किया और रैंडम एक पाथ जनरेट करके वो बी पे पहुंच गया। अब दूसरा एक पर्सन है, उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसने मोशन शुरू की और स्ट्रेट वो बी पे पहुंच गया। अब जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी एक डायरेक्शन जरूरी है, नहीं तो वो भी डिस्टेंस बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो इस वजह से वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आपको बताना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 किलोमीटर चलना है ईस्ट की तरफ, तो आप ए से बी की तरफ पहुंच जाओगे, या 10 किलोमीटर चलना है फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, इस तरह आप डायरेक्शन या कुछ साथ बताना पड़ेगा आपको, जिससे पता चले कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर होगा। अब जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे कहते हैं स्पीड, स्पीड स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी के लिए एक डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को कहना चाहो कि आप ए से बी है और सी पॉइंट है, राइट, 3 पॉइंट्स हैं, आप किसी, अब बंदा ए पे है वो जाना चाहता है किस पे, सी पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो सी पे जाना चाहता है, तो सी पे जाना चाहता है, तो अगर आप उसे कहो कि आप 40 किलोमीटर की स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलते रहो, तो आप सी पे पहुंच जाओगे, ठीक है। वो क्या करता है, एक रैंडम सी डायरेक्शन में 40 किलोमीटर कवर कर लेता है। अब वो सी पे तो नहीं पहुंचा, ये तो कोई और पॉइंट डी पे पहुंच गया। अगर आप उसे कहो कि अच्छा 50 किलोमीटर डायरेक्शन में आप कवर करो, ये 40 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन में, दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करो, तो क्या होगा, आप सी पे पहुंच जाओगे। तो ये क्या थी, इंफॉर्मेशन ज्यादा सुटेड थी। वेलोसिटी इसलिए कहते हैं कि आपको एक तो मैग्नीट्यूड मिलता है कि कितनी स्पीड से मूव करना है, और सेकेंडली कितनी, किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो इस तरह की क्वांटिटीज का एग्जिस्ट करना जरूरी है फिजिकल सिस्टम्स बनाने के लिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। तो ये वेक्टर्स और स्केलर्स बेसिकली पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपको उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और 2-3 एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। अब ये सारा कुछ बताने का पर्पज ये था कि आगे जो हम पढ़ेंगे उसके लिए आपकी एक फाउंडेशन बन जाए, ताकि आगे चीजें हैंडल करना आसान हो। तो सेकंड है रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। तो सिंपली ये है कि हम रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं कि एक एरो हेड ड्रॉ करते हैं, एरो हेड की लेंथ जो होती है वो शो करती है कि कितना मैग्नीट्यूड है क्वांटिटी का, ये मैग्नीट्यूड शो करती है, और एरो हेड का जो हेड है वो डायरेक्शन शो करता है कि इस डायरेक्शन पे आपने वो क्वांटिटी एक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फोर्स थी, तो हमें पता चला कि दिस मैग्नीट्यूड की जो है फोर्स वो राइट की तरफ एक्ट कर रही है। इसी तरह अगर लें वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी वेक्टर में हमने यहां से लेके यहाँ तक एक एरो हेड ड्रॉ किया जो कि शो कर, जिसकी अगर हम लेंथ को मेजर करें तो हमें पता चल जाएगा उसकी स्पीड कितनी है, और एरो हेड की अगर डायरेक्शन देखें तो हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लेन है जिसे हम एक एंगल बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस एंगल थीटा, के एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे आपने इतनी स्पीड से मूव करना है, तो इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है फिर। तो एरो हेड्स यूज करते हैं हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब ये है कि आप सोच रहे होगा कि ये लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम स्केल्स। के फॉर एग्जांपल अगर हम एक एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह स्केल्स बने होते हैं बॉक्सेस, हम कह देते हैं कि दो जो ये यहाँ से जो जितना डिस्टेंस है, ये फॉर एग्जाम्पल है 5 न्यूटन का, और हम यहाँ से लेके फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक एक एरो हेड ड्रॉ कर लेते हैं, इसका मतलब कितने बॉक्सेस आए, 1, 2, 3, तो मतलब 15 न्यूटन का की जो है वो फोर्स लग रही है, या क्वांटिटी लग रही है, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट। तो हमें क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई और फोर्स भी मिल गई। तो इस तरह हम बेसिकली करेंगे।